नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। जैसे क्रिकेट में कई बार आखिरी ओवर की अंतिम गेंद तक रोमांच देखने को मिलता है, यानी क्लाइमेक्स तक खेल देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह 2024 का सेमीफाइनल कहे जा रहे 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शन के नतीजों का रोमांच भी अब बड़ा बढ़ता जा रहा है। खुद कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कमल को मात और कमलनाथ को जनता का साथ मिल जाता है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद अब यह तस्वीर बड़ी धुंधली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कई सर्वे में गाजे बाजे के साथ बीजेपी की 18 साल बाद फिर सत्ता में हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो उधर राजस्थान में भी बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है, छत्तीसगढ़ में कड़ी टक्कर दिख रही है, लेकिन वहां कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, यानी भूपेश सबके सरदार है छत्तीसगढ़ के अंदर। और ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस के साथ में सत्ता छीनती दिख रही है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद एक और बड़ी घटना हुई है। करीब 21 घंटे के दौरे पर दुबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने न केवल जोरदार स्वागत किया बल्कि अब की बार 400 पार के नारे तक लगा दिए, यानी कुल मिलाकर देश से लेकर विदेशी जमीन तक चुनावी माहौल है, चुनावी रोमांच जबरदस्त उफान पर है। तो आज जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, 3 दिसंबर में किसकी खुलेगी पोल और कौन बजाएगा ढोल, आज की चर्चा इसी पर। मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ, राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, छत्तीसगढ़ का गढ़ किसके नाम, एग्जैक्ट रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल का परिणाम आ गया है और रुझान बता रहे हैं कि इस चुनावी खेल का रोमांच आखिरी ओवर तक कायम रहेगा, क्योंकि एक बड़े उलटफेर के साथ ज्यादातर सर्वे मध्य प्रदेश में शिवराज के कायम रहने का अनुमान जता रहे हैं। न्यूज 18 के टारगेट पोल के मुताबिक राजस्थान में भी कमल खिलता दिख रहा है और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है और तेलंगाना में कांग्रेस के साथ जनता का हाथ दिख रहा है। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हावी रहा है, इस वजह से कांग्रेस का नंबर जो है वो टाइट दिखाई दे रहा है? ये गंदे स्तर की राजनीति, मुझे नहीं लगता इसका असर पड़ेगा और इतना ईडी हो गया है कि उसका कुछ असर नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। जोशी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, आप में भयंकर गुटबाजी थी? जिस प्रकार का विश्वास, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उस दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में 135 प्लस 135 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली है। पटवारी साहब, क्या आपको लगता है कि ये कांटे की टक्कर वाकई महंगी पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को या फिर सिंधिया का जाना महंगा पड़ रहा है? जो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे है उसमें कांग्रेस पार्टी को 135 सीट से ऊपर जा रही है, 155 तक भी जा सकती है। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन एक तरफ एग्जिट पोल के नतीजे थे तो दूसरी तरफ दुबई में प्रधानमंत्री के सामने भारतीय समुदाय के लोगों ने बीजेपी के लिए 2024 में नया टारगेट सेट कर दिया। लेकिन आज जनता के बीच 5 राज्यों के ट्रेलर पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो हमारे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है, आइए आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है किसकी खुलेगी पोल और कौन बजाएगा ढोल। तो आज के इस मेहमानों की लिस्ट में मैं अपने गेस्टों को बुलाऊंगा एक अलग अंदाज में। मेरे साथ पहले आ रहे हैं तहसीन पूरा वाला का अभिनंदन है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है स्टूडियो के अंदर। मेरे साथ आ रहे राजकुमार भाटी को बुलाते हैं। राजकुमार भाटी,
जयदाद पूरावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, संजय कुमार चुनावी विश्लेषक जाने माने, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। सौरभ दुबे, सूर्य मैथिल, संजय राणा, सैयद जवाद, संजीव कौशिक, मेहरुद्दीन रंगरेज, सबका अभिनंदन है। 2 किसकी खुलेगी पोल, कौन बजाएगा ढोल? तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे तमाम मेहमानों का, हमारे चुनावी एक्सपर्ट्स का, हमारे नेताओं का, आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है न्यूज 18 के इस मेगा शो के अंदर। और आज की चर्चा की मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले कुछ आंकड़े देखना जरूरी हो जाता है। ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के लिए जीत इतनी आसान दिख रही थी उतनी है नहीं, और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जितनी हावी दिख रही थी उतनी है नहीं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का किला बीजेपी नहीं भेद पा रही और बीआरएस को चुनौती दे रही है कांग्रेस तेलंगाना के अंदर। तो ये कुछ बड़े आंकड़े हैं। और मध्य प्रदेश में चाहे महाकौशल हो चाहे चंबल हो, चंबल में 34 सीटें हैं बीजेपी के खाते में, 19 जाती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को -12 यानी 12 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और महाकौशल जो कमलनाथ का इलाका है वहां बीजेपी स्वीप करती हुई दिख रही है, 47 सीटों में से 32 जीतती हुई दिख रही है, और कांग्रेस के खाते में 15 -13 हो रहा है और अन्य के खाते में 0 जा रही है। यानी जहां जहां मध्य प्रदेश में अन्य थे वो सारी सीटें लगभग बीजेपी के खाते में जा रही है और कांग्रेस से सीटें बीजेपी छीनती हुई दिख रही है, ऐसा कई एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला, राजकुमार भाटी, संजय कुमार और शहजाद पूनावाला, आपका एक बार फिर अभिनंदन है। और शुरुआत इस चर्चा की मैं करते हूं संजय कुमार से, क्योंकि चुनावी विश्लेषकों का यह दिन रहता है, ये 3 दिन नेताओं के पास पहले जाना मुझे लगता है कि गलत होगा। संजय कुमार जी, खेल जितना आसार दोनों के लिए दिख रहा था उतना निकला नहीं है, तो क्या 3 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही होगा? आप अलग अलग राज्यों के असेसमेंट को देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोलस्टर के असेसमेंट बहुत अलग हैं, तो किसके करीब होगा ये कह पाना तो अमीश बहुत ही मुश्किल है कि किसके करीब होगा। पोल्स ऑफ पोल्स करते हैं, क्या उसके करीब होगा? क्या कोई आउटलायर है जो किसी राज्य में एक पार्टी को बड़ी जीत दिखा रही है, क्या उसके करीब होगा? कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सारी पार्टियों के लिए, कम से कम 2 बड़ी पार्टी जो हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए, कुछ ना कुछ अच्छे संदेश अलग अलग राज्यों से जरूर आएंगे। शहजाद पूनावाला, आप राजस्थान में खुद मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि खेल बन तो सकता है लेकिन बिगड़ भी सकता है, तो खेल बिगाड़ कौन?